ये माँ मेहनत करके घर चलाती है और इनके बेटे ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया सिर्फ एक आईफोन लेने के लिए, और माँ को झुकना पड़ा अपने बेटे की जिद के आगे। अब इन सर को देखो जिन्होंने पूरा दिन लगा दिया सिर्फ एक आईफोन खरीदने के लिए। 4 बजे से मैं खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ तो हद ही हो गई, नौबत मारपीट तक आ गई। ये सब हो क्या रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा नौजवान? क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के बच्चे यानी जनरेशन जेड आखिर किस सोच के साथ जीते हैं? क्यों वो अपने ही उसूलों पर चलते हैं बिना अपने माता पिता की परेशानियों की परवाह किए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको आज की पीढ़ी यानी जनरेशन जेड के बारे में वो बातें बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सोची हो। ये वो पीढ़ी है जो प्रैक्टिकलिटी पर जीती है, जो अपने सोशल स्टेटस और खास तौर पर आईफोन के लिए सब कुछ दाम पर लगा देती है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये जेन जी कौन है और क्यों इनके लिए एक आईफोन इतनी बड़ी जरूरत बन चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जनरेशन जेड है कौन। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो लेट 90 के दशक से लेकर इर्ली 2000 दशक तक पैदा हुए हैं। इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म ही टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में हुआ। ये हर चीज ऑनलाइन सीखते हैं और इनके लिए इंफॉर्मेशन का एक्सेस मतलब है एक क्लिक पर दुनिया का हर जवाब। लेकिन क्या ये जनरेशन जो इतने चतुर और कनेक्टेड हैं अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल्स, उनकी फाइनेंशियल हालत और भावनाओं की परवाह करती है, या फिर इनके लिए खुद का कंफर्ट और स्टेटस ही सबसे बड़ा है? दोस्तों, आज के समय में जेन जेड के बीच सोशल स्टेटस का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? जी हाँ, एक आईफोन। इनके लिए आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि प्रेस्टीज और सोशल आइडेंटिटी का सिंबल बन गया है। अगर इनके दोस्तों के पास आईफोन है तो इन्हें भी चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी ही कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा जिसकी फैमिली रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बचत करती है, वो सिर्फ इस दबाव में एक आईफोन की मांग कर रहा है ताकि वो फिट इन कर सके। क्या ये प्रेशर वाकई इतना जरूरी है? क्या हमें सच में इतनी परवाह होनी चाहिए कि हम किस रंग के बबल में मैसेज भेज रहे हैं, ब्लू या ग्रीन? अब बात करते हैं डिजिटल इकोसिस्टम और फोमो की। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स के बीच एक ऐसा नेटवर्क बना दिया है कि हर चीज सीमलेसली कनेक्टेड रहती है। एयरड्रॉप, फेस टाइम, आई मैसेज जैसी चीजें हर एप्पल यूजर को एक खास कम्युनिटी का हिस्सा बना देती हैं। और अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो जेन जी को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस सर्कल से बाहर हैं। सोचिए, सिर्फ इन एक्सक्लूसिव फीचर्स के लिए बच्चे अपने पेरेंट्स को आईफोन खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि वो सोशल इंटरेक्शंस में पीछे न छूट जाए। क्या ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट वाकई इतनी जरूरी है कि इसके लिए परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरे में डाल दिया जाए? अब आप सोच रहे होंगे कि जेन जेड के लिए आईफोन इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, इसका जवाब है ब्रांडिंग और लाइफस्टाइल। एप्पल की मार्केटिंग ने आईफोन को एक लग्जरी प्रोडक्ट की तरह पेश किया है जो क्वालिटी और सोफिस्टिकेशन का सिंबल बन चुका है। और जब हर जगह सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स आईफोन यूज करते हुए दिखते हैं तो यंग लोग भी उन्हीं की तरह कूल और ट्रेंडी दिखना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, ये है अपने आप को एक खास स्टेटस में देखने की चाहत जो जेन जी को अपने परिवार की असल हालत से दूर ले जा रही है। क्या ये ब्रांड की पावर नहीं है कि मिडिल क्लास पेरेंट्स अपनी जरूरतें छोड़कर बच्चों की इस चाहत को पूरा करने के लिए मजबूर हैं? दोस्तों, बात सिर्फ जेन जी की नहीं है बल्कि उन माता पिता की भी है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मिडिल क्लास पेरेंट्स जिनकी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, वो अपने बच्चों की मांग को पूरा करने के लिए खुद की कंफर्ट और सेविंग्स तक त्याग देते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए आईफोन खरीदने में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें लोन लेना पड़े या अपनी जरूरतों से समझौता करना पड़े। क्या ये सैक्रिफाइस वाकई इस सोशल स्टेटस के लिए करना चाहिए? जेन जी अपनी इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस पर फोकस करती है, लेकिन क्या ये खुद के प्रति प्रैक्टिकल और फोकस्ड होना उन्हें अपने परिवार की परेशानियों और त्याग से दूर कर रहा है? क्या ये प्रैक्टिकलिटी उन्हें सिर्फ खुद तक सीमित कर रही है जहां पेरेंट्स की स्ट्रगल उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? सोचिए, एक तरफ पेरेंट्स अपनी जरूरतें छोड़कर बच्चों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों का ये सोचना
कि उनका सोशल सर्कल ही सब कुछ है। पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस का कोई खास महत्व नहीं रखता। क्या ये पीढ़ी सिर्फ अपने दोस्तों और ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ रेजोनेट करती है, परिवार के साथ नहीं? तो दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये सब कहां जाकर रुकेगा? क्या एक आईफोन की चाहत इतनी बड़ी हो गई है कि मध्यम वर्गीय परिवार का बजट तक बिगड़ जाए? क्या ये सोशल स्टेटस वाकई इतना जरूरी है कि इसके लिए पेरेंट्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दांव पर लगा दिया जाए? आज का ये मुद्दा सिर्फ एक फोन का नहीं है, बल्कि हमारी सोच और प्रायोरिटीज का है। क्या हमें अपनी पहचान दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के आधार पर तय करनी चाहिए, या फिर हमें अपने परिवार के सैक्रिफाइसेस और स्ट्रगल्स का सम्मान करना चाहिए?